हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज एक टॉपिक डिस्कस करते हैं हम कंधार हाईजैकिंग के बारे में। तो ये तालिबान और अफगानिस्तान से ही रिलेटेड है। तो आजकल जो मैटर चल रहा है तालिबान अफगानिस्तान का, तो उसके रियाजे से थोड़ा सा एक बार हम इसको भी देख लेते हैं कि ये पूरी कहानी क्या थी, जो 1999 में जो प्लेन हाईजेक किया गया था इसके पीछे पूरा कहानी क्या था और अभी फिलहाल इसका स्टेटस क्या है, इससे रिलेटेड जो भी ट्रायल्स हैं कोर्ट में चल रहा है। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं, कहानी की तरह है तो थोड़ा सा कहानी की तरह ही इसको सुनिएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि 1999 का ये मैटर है, तो 1999 में 1999 में 24 दिसंबर के दिन जो प्लेन था वो काठमांडू से चल के वो दिल्ली पहुंचने वाला था। करीब 4 बजे शाम में 4 PM में ये 24 दिसंबर को उड़ान भरने वाला था काठमांडू से। अपने तय समय पर ये इसने उड़ान भरा और इसमें अगर हम पैसेंजर्स की बात करें तो करीब 179 इसमें पैसेंजर्स थे, जिसमें से 24 थे वो फॉरेनर और 11 जो थे वो क्रू मेंबर थे। तो ये टोटल 179 पैसेंजर थे जो इस फ्लाइट में मौजूद थे और इस फ्लाइट का नाम था IC 814। फ्लाइट का नाम था IC 814, इंडियन एयरलाइंस का ये फ्लाइट था, जैसा कि आप फिगर में भी देख पा रहे हैं। तय समय पर यानी कि 4 बजे शाम में ये फ्लाइट काठमांडू से टेक ऑफ करता है और ये दिल्ली के लिए रवाना होता है। जब ये प्लेन बनारस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल एरिया में आता है तो करीब 45 मिनट का भी समय हुआ रहता है, यानी कि 4 बजे के बाद 45 यानी कि 4:45 के आसपास करीब 45 मिनट का ही समय होता है टेक ऑफ किए हुए, तभी इस प्लेन को हाईजेक कर लिया जाता है। प्लेन को हाईजेक करने वाले 5 लोग थे जो प्लेन में मौजूद थे, उनकी भी हम बात करेंगे कि वो कौन कौन लोग थे। फिर क्या होता है, हाईजेक करने के बाद इसे कंधार लेके जाया जाता, कंधार जो कि आपका अफगानिस्तान में पड़ता है। लेकिन कंधार ये डायरेक्ट इसको नहीं ले जाया जाता है, बीच में कई जगहों पर इसे रोका जाता है। पहली बार अमृतसर में इसको रोका जाता है, उसके बाद लाहौर में रोका जाता है और उसके बाद UAE में रोका जाता है। इन तीनों जगहों पर इसे रिफ्यूलिंग के लिए रोका जाता है और उसके बाद फाइनली ये कंधार में इसको लैंड कराया जाता है जहां पर तालिबान के लोग मौजूद थे। तो ये जो 5 लोग थे, हम अगर नेशनलिटी की बात करें तो ये 5 लोग पाकिस्तान के सिटीजन थे जो कि हाईजेक करके इस प्लेन को ये लोग ले गए थे। इस समय भारत में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में कोलिजन की गवर्नमेंट थी, यहाँ पर कोलिजन गवर्नमेंट थी। अब इसके बाद क्या होता है, भारत सरकार के साथ नेगोशिएशन स्टार्ट होते हैं और यहाँ पर ये शर्त रखी जाती है तालिबान की तरफ से कि भारत 3 टेररिस्ट को छोड़ेगा तब तालिबान वो जो एयरक्राफ्ट है या जो एयरप्लेन है उसको वो रिलीज करेगा या उनके पैसेंजर्स को छोड़ेगा। तो बहुत सारी नेगोशिएशंस के बाद ये तय किया जाता है कि भारत सरकार उन 3 टेररिस्ट को रिलीज करने वाली। तो वो जो टेररिस्ट थे, मसूद अजहर, उमर शेख एंड मुश्ताक अहमद जारगान, ये 3 टेररिस्ट को छोड़ा जाता है। ये तीनों पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान के टेररिस्ट हैं। आपको पता है कि मसूद अजहर अभी भी है। तो फाइनली इसको छोड़ा जाता है और प्लेन से बाकी लोगों को वहां पर आजाद किया जाता है। जब हम इन हाईजेकर्स की बात करते हैं तो जो CBI थी, CBI ने जो केस फाइल किया उस केस में 10 लोगों को कन्विक्ट ठहराया गया, जिसमें से 7 लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान के नेशनल्स थे, पाकिस्तान के सिटीजन थे। और इन 7 में से 5 वो लोग थे जो कि जिन्होंने प्लेन को हाईजेक किया हुआ था, जो प्लेन में मौजूद थे। तो ये सभी पाकिस्तानी हैं। ये जो 5 लोग थे, इनके जो नाम थे, जो लिस्ट होती है पैसेंजर के लिस्ट, उसमें अलग अलग था और इन सभी को एक कोडवर्ड दिया गया। और कोडवर्ड क्या था, इनका नाम था कोड में, कैसे, एक का नाम था चीफ, ये कोड नाम था उनका, एक का नाम था बर्गर, तीसरे का नाम था डॉक्टर, चौथे का नाम था भोला और 5वें का नाम था शंकर। ये कोड नाम थे उन 5 टेररिस्ट के, ठीक। और ये जो 5 टेररिस्ट थे ये किस किस नाम से सवार थे, जरा हम उनको भी देखते हैं। एक नाम है शेख, एक नाम से जाना जाता है, एक है काजी SA, यहां पर आपको जो दिख रहा होगा। ये जो 2 लोग थे, इन 5ों में से ये जो 2 लोग थे, इनको बिजनेस क्लास में रखा गया था, यानी कि इनकी सीट जो थी वो बिजनेस क्लास में थी। बाकी के जो 3 लोग बचे,
इसमें से एक है जल मिस्त्री, एक है आरजी वर्मा और एक है एस ए सईद। तो एस ए सईद ये तीनों जो थे ये इकोनॉमी क्लास में मौजूद थे, ठीक है। तो दो लोग बिजनेस क्लास में और ये पांच लोग और तीन लोग आपको इकोनॉमी क्लास में मौजूद थे जिन्होंने प्लेन को हाईजेक किया। सीबीआई ने तो 10 लोगों के अगेंस्ट में यहाँ पर फाइल किया 2000 में, यानी कि 2000 में, एक साल करीब कुछ ही महीने हुए थे, जनवरी में किया गया था, दिसंबर में मामला हुआ था, तो करीब एक महीने के आसपास का समय था तब ये किया गया था। तो ये जो 10 लोग कन्विक्शन किया गया सीबीआई के द्वारा, इनको कन्विक्ट किया गया था आपको एंटी हाईजेकिंग एक्ट और जो आर्म्स एक्ट था इसके तहत इनको कन्विक्शन दिया गया। उस समय नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं होती थी, ये 2008 में बनी थी और ये जो मुंबई अटैक हुआ था उसके बाद एनआई का आपका फॉर्मेशन हुआ था। उससे पहले एकमात्र सीबीआई ही थी जो एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरह काम करती थी, तो इसलिए मामला ये सीबीआई के पास था जिसने 2000 में 10 लोगों को कन्विक्शन ठहराया था और चार्जशीट यहाँ पर फाइल किया गया। तो ये जो चार्जशीट फाइल हुआ ये सीबीआई का जो स्पेशल कोर्ट था, सीबीआई का स्पेशल कोर्ट, ये उसमें फाइल किया गया जो कि पटियाला में था। यहां पर ये जो केस था करीब 8 सालों तक यहां पर ये केस चला, यानी कि इस कोर्ट ने, सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 2008 में अपना मामला सुनाया और 2008 में इसने क्या किया कि इसमें से जो चार लोग थे ये इनके पास थे, चार लोग इनके पास थे, तो इन चार लोगों को इस कोर्ट ने क्या किया कि लाइफ सेंटेंस की सजा दी। लेकिन सीबीआई को चाहिए था कि इन सबको डेथ सेंटेंस की सजा मिले, लेकिन उनके स्पेशल कोर्ट ने इनको डेथ सेंटेंस की सजा नहीं दी, लाइफ सेंटेंस की सजा दी। इसलिए सीबीआई ने क्या किया 2008 में ही इनके जजमेंट के अगेंस्ट ये पहुंच गया हाई कोर्ट में, कहां पर, पंजाब एंड हरियाणा का जो हाई कोर्ट है ये वहां पर अपील करने के लिए पहुंच गया सीबीआई। तो जब ये वहां पर पहुंचे तो फिर क्या हुआ 2014 में अगेन 6 साल लग गए। तो ध्यान रखिए 2000 में इसको फाइल किया गया था, 2008 में सीबीआई की जो स्पेशल कोर्ट थी, स्पेशल कोर्ट उसने जजमेंट दिया, इसको अपील किया गया हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने फिर 2014 में यानी कि करीब 6 सालों बाद अपना जजमेंट सुनाया। इस जजमेंट में हाई कोर्ट ने कहा कि जो दो लोग हैं इसमें, जो दो लोग थे उनको हाई कोर्ट ने कहा कि ये लोग क्या है, एक्यूटेड है ये लोग, मतलब इनका कोई इसमें दोष नहीं है, लेकिन हाँ ये आर्म्स एक्ट के तहत इनको गुनाहगार ठहराया जा सकता है, लेकिन बाकी चीजों के तहत इनको नहीं ठहराया जा सकता। तो इसलिए हाई कोर्ट ने क्या किया, दो लोगों को मुक्त कर दिया मर्डर एंड कॉन्स्पिरेसी वाले केस से, बट आर्म एक्ट के तहत वो कन्विक्टेड थे, ओके। तो दो लोग ये मात्र आर्म्स एक्ट के तहत कन्विक्टेड हुए, बाकी मर्डर एंड कॉन्स्पिरेसी एक्ट के तहत इनको मुक्त कर दिया, ठीक। इसके अलावा एक और जो था जिसको नेपाली के नाम से भी जाना जाता था, उसको भी क्या किया कि अब क्योंकि ये 14 साल तक जेल में रह चुका था, 14 साल हो गए थे ना, इधर 8 साल इधर 6 साल, 14 साल हो चुके थे, तो इसको भी उसके बाद फ्री कर दिया गया और ये नेपाल का रहने वाला था और फाइनली ये नेपाल में चला गया। अब कौन बचा, अब मात्र एक बचा, क्योंकि चार ही लोगों को यहाँ पर कन्विक्शन ठहराया गया था और चार ही लोग यहाँ पर थे एक्चुअली, 10 लोगों पर हुआ था केस लेकिन मैक्सिमम लोग पाकिस्तान में रहते थे तो वहां उनका कुछ हो ही नहीं सकता था, लेकिन चार ही लोग थे तो चार ही लोग पे ही चल रहा था मामला, तो तीन लोगों का हिसाब किताब हो गया। बचा एक और, तो इसको भी हाई कोर्ट ने लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा दी थी और डेथ सेंटेंस से मना कर दिया। तो अब इसने क्या किया कि हाई कोर्ट ने जो सजा दी उसके अगेंस्ट में अब ये सुप्रीम कोर्ट में चला गया, इसने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी और ये केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। कितने समय हो गए आपको, 1999 के बाद अगर हम बात करें तो करीब 22 साल हो गए, 22 ईयर्स हो गए और अभी भी इन मामलों का निपटारा सही से नहीं हुआ है। मेन एक्यूज जो है जिनको रिहाई किया गया था वो सब पाकिस्तान में है, दो लोगों को इसे हटा दिया गया, एक नेपाली को फ्री कर दिया गया, मात्र एक बचा है इंडिया में जो अभी आपके जेल में है और इसने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील दी हुई है हाई कोर्ट के अगेंस्ट, यानी अब ये भी चाहता है कि इसको लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा ना मिले, ओके। तो ये सारी चीजें हैं जो अभी तक आपको चल रही है, यानी कि ये मामला जो है अभी भी खत्म हुआ नहीं है, लेकिन ये कब खत्म होगा ये हमें पता नहीं, ओके। तो सारा मामला सब कुछ फ्री है, जो पाकिस्तान में वो तो वापस आने वाले नहीं है और जो बचा अब उसका भी रहने का कोई मतलब है नहीं, कि
ऑलरेडी वो 22 साल कितने हो गए, 2008 में आपको इस कोर्ट ने सजा दी थी, पटियाला के कोर्ट ने, उससे पहले से वो जेल में रह रहा होगा। तो अगर 2001 से ही जेल में अगर रह रहा होगा, 2002 से ही, तो फिर भी उसको तो 22 साल ऐसे ही हो गए जेल में रहते हुए अभी तक। तो अब वही बात है ना, एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डिले इन जजमेंट और जस्टिस मीन्स नो जस्टिस। तो अगर आपको न्याय चाहिए कहीं, अगर आप जाए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, अगर आप इतने साले लग जाते हैं वहां पर आपको केस लड़ते हुए, तो उसका कोई मतलब नहीं है। ओके, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये था, क्योंकि तालिबान का मैटर अफगानिस्तान का मैटर था, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा एक पूरा ये मामला आपको समझना चाहिए, थोड़ा कहानी की तरह है। ओके, बट ऐसा नहीं है कि इसको बहुत याद रखना है, बट एक कहानी के थोड़ा थोड़ा सा याद रखिए, क्योंकि ओवरऑल क्या हुआ था ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू एंड बाय।